हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिंदगी मेक्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की बर्फी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बेसन की बर्फी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप बेसन, 1 कप पाउडर शुगर, 1/4 कप सूजी, थोड़ी सी इलायची कुटी हुई, चॉप किए हुए बादाम फॉर गार्निशिंग। तो 1 कप हमारे पास यहाँ है घी, तो इसके अंदर हम डालते हैं बेसन। और इसे स्लो हीट पे हम भूनेंगे और ये डाल देते हैं सूजी। इसे हमें स्लो हीट पे लगातार भूनते जाना है जब तक ये बेसन हम इसे स्लो हीट पे धीरे धीरे भून रहे हैं, तो ये घी छोड़ता जा रहा है। इसकी पहचान है कि हमारा बेसन भूनना स्टार्ट हो गया। जब इसके ऊपर थोड़ा सा घी फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा तो हमें समझ आ जाएगा हमारा बेसन भून गया और कलर भी इसका थोड़ा चेंज हो जाएगा। बेसन भून गया है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है भुनने की। और ये हमने इसमें डाल दिया अब इलायची पाउडर। 2 मिनट और हम इसे थोड़ा सा रेडनेस होने तक भून लेंगे, फिर हम इसमें चीनी डाल के चलाते रहेंगे। इस स्टेज पे इस पर लगातार चलाते रहें वरना ये नीचे से आंच पकड़ लेते हैं। बेसन ने हमारा कलर चेंज कर लिया और घी हमारा थोड़ा ऊपर आना स्टार्ट हो गया। अब हम इसमें डालते हैं अपना पाउडर शुगर। ये झटपट से बनने वाली बर्फी है, इसके लिए ना हमें चाशनी चाहिए ना कुछ। बेसन और बूरा डालते ही हमारी बर्फी रेडी हो जाती है। ये हमारी बर्फी बनकर रेडी हो गई है, मिक्सचर बन चुका है इसका। अब हम इसे ग्रीस कर रहे हुए बर्तन में ट्रांसफर करते हैं। बर्तन ले लिया जिसमें हमें बर्फी जमानी है और उसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। गरम गरम मिक्सचर हम इसमें अपना डाल देते हैं। इसे हम किसी फ्लैट सरफेस के साथ इसमें सेट होने के लिए प्लेन कर देते हैं। एंड लास्ट हम इसे गार्निश करते हैं कटे हुए बादाम के साथ। इसे सेट करने के लिए अब हम छोड़ देंगे। जब ये सेट हो जाएगी 1-2 घंटे बाद हम इसे पीसेस में कट कर लेंगे। बेसन की बर्फी बनकर हमारी रेडी हो गई है। ये बहुत अच्छी बनी है, ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसी। अपने दिवाली के ओकेजन पर बर्फी के साथ सेलिब्रेट कीजिए।